Welcome in online lecture. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are in good state of health and Iman. Here we have a lecture of physics. Lecture number 2, class 7. Start our lecture with dua. Rabbi sharah li sadri wa yasir li amri wahlu luktatam mil lisani yafkaw qawli. Rabbi zidni ilma, rabbi zidni ilma, rabbi zidni ilma. 16 2020 आज हम बात करेंगे क्रिटिकल एंगल की। यानी कि एक ऐसा जाविया जो क्रिटिकल एंगल कहलाता है हम देखते हैं कि ये एक ऐसा एंगल होता है जो सबसे बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है यानी कि ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे हम कहते हैं कि रिफ्रैक्शन का अमल शो होता है रिफ्रैक्शन हम क्या कहते हैं जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होती है थोड़ी सी बेंड हो जाती है क्योंकि उसकी स्पीड बदल जाती है उसकी थोड़ी सी डायरेक्शन बदल जाती है तो हम कहते हैं थोड़ी सी बेंड हो जाती है यानी कि रिफ्रैक्ट हो जाती है तो उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन तो हम कह रहे हैं क्रिटिकल एंगल वो आ, सबसे बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है यानी कि जितना चौड़ा जितना बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो सकता है कि जिस पे रिफ्रैक्शन शो की जा सके और उसके बाद अगर हम देखते हैं इससे भी ज्यादा बड़ा अगर हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाए तो क्या होता है फिर रिफ्रैक्शन नहीं होती यानी कि ये वो एंगल है क्रिटिकल है यानी कि ये जरूरी एक एंगल है जिस जिसपे रिफ्रैक्शन होती है इससे बड़ा अगर एक एंगल हो जाए थोड़ा सा भी इससे बड़ा एंगल होगा तो क्या होगा कि रिफ्रैक्शन नहीं होगी बल्कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाती है रिफ्रैक्शन की बजाय देखेंगे और हम पूरा इसका परफॉर्म करके देखेंगे किस तरह से ये होता है। यानी हमने क्या कहा क्रिटिकल एंगल ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिसके ऊपर रिफ्रैक्शन हो सकती है इससे भी थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस को तो उस पर रिफ्रैक्शन नहीं होगी बल्कि उस पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी और हम यहां पर एक शर्त रखते हैं कि जो रिफ्रेक्शन यहां होनी है ना वो किस में होगी वो डेंसर से रेयरर या लाइटर मीडियम की तरफ होगी डेंसर टू लाइटर मीडियम ये इसकी एक कंडीशन होती है अब ऐसे करते हैं हम एक यहां पर एक टब लेकर आते हैं जिसके अंदर हमने पानी भर के रखा हुआ है ये हम ले आए एक टब जिसके अंदर हमने क्या किया हुआ है हमने पानी भरा हुआ है अब हमने करना क्या है कि हम यहाँ पे अंदर से एक टॉर्च की मदद से क्या करेंगे रोशनी का हम तो तिरछी करके रोशनी हमने यूं इस तरह से बाहर की तरफ फेंकी अब ये देखें अंदर से हमने अंदर चले हमने एक टॉर्च रखी हुई है लेट सपोज़ चलिए यहाँ पर हम टॉर्च नहीं बनाते हम कोई सा भी हम कह देते हैं चलिए यहाँ कोई सा भी ना रोशनी का कोई जरिया है जिससे रोशनी हमने अंदर अब अंदर क्या है मौजूद अंदर पानी मौजूद है ये यह हम यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ पर मौजूद है वाटर वाटर क्या होता है डेंसर मीडियम होता है बाहर क्या मौजूद है बाहर मौजूद है एयर एयर क्या है वाटर के मुनासबत से लाइटर मीडियम है तो हम अंदर से क्या कर रहे हैं अब ये क्या है ये है मौजूद लाइट ये लाइट की रे है लाइट रे रोशनी की एक किरण है हमने अंदर की तरफ ये रोशनी सॉरी अंदर से बाहर की तरफ हमने ये रोशनी फेंकी तो क्या होगा जब ये दूसरा दूसरे मीडियम में जाएगी डेंसर से रेयर या लाइटर मीडियम में जाएगी तो ये अपना थोड़ा सा रुख बदलेगी तो इसने क्या किया अपना थोड़ा सा हम इसको ठीक करके बनाएंगे इसने थोड़ा सा अपना रुख बदल लिया अब ये इसने यहाँ पर देखें अपना रुख बदल लिया है किस तरह पता चला हमें कि इसने अपना रुख बदल लिया है हम यहाँ पर जो नॉर्मल होता है हम नॉर्मल की लकीर खींच सकते हैं हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ऐसा ही है कि नहीं है ये हमने नॉर्मल की इमेजनरी लकीर खींच दी और हमने इसको यहाँ बता दिया कि ये क्या है ये नॉर्मल है नॉर्मल हम क्या कहते हैं नॉर्मल ऐसे लकीर होती है कि अगर मैं इस नॉर्मल के साथ साथ अगर रोशनी यहाँ से हम डालें यानी कि अगर मैंने टॉर्च से रोशनी यहाँ इस तरह से डाली तो ये रोशनी की ल, जो रोशनी की किरण है ये सीधी सीधी आगे ऊपर निकल जाएगी चाहे मीडियम बदल गया हो तब भी ये सीधी सीधी चली जाएगी तो इसको हम कहते हैं नॉर्मल की लकीर होती है और अगर हम इसीलिए हम यहां पर जब रिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो हम कहते हैं थोड़ी सी ये आढ़ी होती है थोड़ी तिरछी होती है जैसे यहां पर एक खास कोई जाविया बन रहा है अब नॉर्मल के साथ यहां पर अगर हम देखें तो देखिए यहां पर ये एक जाविया बन रहा है खास इसको हम ब्लैक से शो कर देते हैं ये देखिएगा अब ये क्या कहलाता है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बाहर वाला जो कहलाता है बाहर कौन सा जो नॉर्मल के साथ बनेगा रिफ्रैक्टेड रे का वो क्या होगा अब ये कौन सी है लाइट रे ये इंसिडेंट लाइट रे है यहां पर हम अब पूरी बात लिख देते हैं कि ये क्या कहलाएगी इंसिडेंट लाइट रे और जो यहां पर मौजूद है ये क्या कहलाएगी रिफ्रैक्टेड रे कहलाएगी और यहाँ अंदर जो नॉर्मल का इंसिडेंट लाइट रे के साथ जो एंगल बन रहा था वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करें नॉर्मल का जब रिफ्रैक्टेड रे के साथ बनता है एंगल वो हम स्मॉल uh, आर से शो करते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने कहा ना ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस तक जाना है हमने आहिस्ता आहिस्ता एंगल ऑफ़ इंसिडेंस बढ़ाते गए यहाँ से देखें अब ये इस तरह से आई तो इसके बाद जब यहाँ से बेंडिंग होगी तो बेंडिंग थोड़ी सी मजीद बेंडिंग हो जाएगी तो देखें यहाँ पर क्या हुआ है यहाँ पर अगर हम मैंशन करें कि हमने हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया है ये देखें ये एंगल ऑफ़ इंसिडेंस बढ़ गया ऐसा ही हुआ है ना और अगर एंगल ऑफ़ रिफ्रैक्शन की बात करें तो एंगल ऑफ़ रिफ्रैक्शन भी अब देखें ये देखिए यहाँ पे इतना बढ़ गया है और हम देखते हैं कि एक खास मैक्सिमम एंगल आएगा जहां तक हम क्या देखते हैं अब यहाँ पर हम वो खास एंगल देखेंगे तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट कलर करें कि चले हम कलर डिफरेंट नहीं करते हम येलो ही रखते हैं क्योंकि लाइट को हम शो कर रहे हैं तो हमने इतना बढ़ा दिया कि ख़ास सर्टेन एंगल ऐसा आया जो मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस था क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़े जा रहा है अब ये मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस आया जिस पे जब हम देखते हैं कि जब हमने रोशनी की रोशनी की किरण को भेजा कहाँ से डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम या रेयर मीडियम की तरफ तो वो जो रोशनी है वो कितनी ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो गई कि वो क्या ये हम देख रहे हैं जो दूसरा मीडियम और जो पहला मीडियम ये दोनों जो मीडियम है इनके बिल्कुल साथ साथ, साथ, साथ यूँ क्या करने लगी इसको हम कहते हैं ग्रेज़ करने लगी है ये इसके बिल्कुल साथ, साथ, साथ यूँ चलने लगी और अगर हमने जब यहाँ पर नोट किया कि नॉर्मल के साथ इसका कितना एंगल बनेगा ये वाला एंगल नोट किया इसको ज़रा थोड़ा सा प्रोमिनेंट करके शो करेंगे ये वाला एंगल हमने नोट किया तो ये कितना है ये बन जाता है 90 डिग्रीज़ का एंगल ये यह यहाँ पर 90 डिग्रीज का एंगल आ जाता है और हम देखते हैं अब हमने सोचा चलो हम इसको और एंगल ऑफ़ इंसिडेंस को अगर चले यहाँ पे पहले मेंशन करते हैं ये देखिए एंगल ऑफ़ इंसिडेंस इतना बढ़ चुका है इतना ज़्यादा बढ़ गया है और इस इस एंगल ऑफ़ इंसिडेंस पे जो रिफ्रैक्टेड रे थी वो देखिए कि वो 90 डिग्रीज पे बन गई है परपेंडिकुलर बन गई है किसके नॉर्मल की लाइन के और हम देखते हैं हमने कहा चले हम इससे भी ज्यादा हम बढ़ाते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को तो जब हमने इससे भी ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया तो हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास क्या मौजूद थी इंसिडेंट लाइट रे मौजूद थी ये जो मौजूद थी अब इसका क्या हुआ कि ये अब तो ये ग्रेस कर गई थी ना पहले ये परपेंडिकुलर बनाया था अब ये अंदर की तरफ मुड़ गई ये इस तरह से मुड़ गई ये देखें ये यहाँ की तरफ मुड़ गई है ये ऐसे मुड़ जाएगी ये हमारे पास यहां पर आ गई अब इस पर देखिएगा कि मैंने क्या किया है मैंने सिर्फ थोड़ा सा यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया और क्या हुआ कि लाइट तो अंदर की तरफ बेंड कर गई बाहर गई नहीं दूसरे मीडियम में दाखिल ही नहीं हुई अंदर बेंड हो गई उसी मीडियम के अंदर अंदर बेंड हो गई तो ये क्या है ये रिफ्रैक्टेड रे नहीं है ये कहलाएगी रिफ्लेक्टेड रे उसी मीडियम में जो है वो क्या हो गई आ, उसी मीडियम में ये बेंड हो गई है इस तरह से हम देखते हैं हमें शीशे में अपना अक्स नज़र आता है तो वो रिफ्लेक्शन की वजह से नज़र आता है क्योंकि एक चीज़ जो है वो किसी सतह से टकराती है उसी मीडियम में वापस मुड़ जाती है तो वो क्या कहलाती है रिफ्लेक्शन और ये रिफ्लेक्शन हो गई और हम देखते हैं मुकम्मल तौर पर रिफ्लेक्शन हुई है तो ये कहलाती है टोटल दूसरा ये अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट हुई है हम कह रहे हैं इंटरनल और तीसरा हम कह रहे हैं सेम मीडियम के अंदर ही मौजूद है हम इसको कह रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये आ गई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अब देखिए हमारी जो क्रिटिकल एंगल के बारे में डेफिनेशन थी वो पूरी हो गई कि एक सबसे बड़ा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये वाला कौन सा वाला है हम यहाँ पर इसको प्रोमिनेंट कर देते हैं ये एंगल ऑफ इंसीडेंस जिसपे हम कहते हैं कि और ये सबसे बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसके ऊपर क्या हुई है जिसके ऊपर हम देख रहे हैं रिफ्रैक्शन हुई है जिसपे रिफ्रैक्शन पॉसिबल होती है क्योंकि इससे हम थोड़ा सा भी ऊपर जब गए तो क्या हुआ कि हमारे पास रिफ्रैक्शन नहीं हुई बल्कि रिफ्लेक्शन हो गई वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और इसको हम स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं ये इसको हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल और क्रिटिकल एंगल जो होता है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करें स्मॉल सी से या इस तरह भी लिख सकते हैं ये होता है एंगल के लिए साइन और यह स्मॉल सी तो ये कहलाता है क्रिटिकल एंगल और अगर हम देखें कि जब ये लाइट है ये ट्रैवल करती है किसमें से वाटर में से जिस तरह यहाँ पर हम दिखा रहे हैं वाटर में से किसमें ट्रेवल ट्रैवल कर रही है ये एयर में ट्रैवल कर रही है तो वाटर से जब एयर में ट्रैवल करती हैं तो इस सिचुएशन में यानी जब ये वाले सिचुएशन होगी हम यहाँ लिख चुके हैं ना वाटर से जो है वो बाहर एयर की तरफ गई है तो हम देखते हैं कि जो क्रिटिकल एंगल होता है क्रिटिकल एंगल ये होता है फोटी नाइन डिग्रीज तो ये वाला एंगल है ना ये जो, जो मोटा करके दिखा है बोल्ड करके ये होता है फोर्टी नाइन डिग्रीज और जब हम देखते हैं कि ग्लास से एयर में होती है तो उसमें हम कहते हैं कि ये फोर्टी टू डिग्रीज होता है तो आज हमने क्या देखा आज हम देखे क्रिटिकल एंगल को जिसमें हमने कहा कि ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिसपे रिफ्रैक्शन शो होती है और जो रिफ्रैक्ट जो एंगल आ, हो बनता है रिफ्रैक्टेड रे का विद नॉर्मल वो परपेंडिकुलर टू नॉर्मल होता है यानी कि 90 डिग्रीज होता है और ये ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इससे बड़ा एंगल अगर हम देंगे लाइट उसमें ट्रेवल करेगी तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का अमल शो करेगी रिफ्रैक्शन नहीं शो करेगी students here we have some question question one is how we see a my firstly I will tell you what is my Mirage my is an image of some distant object which appeared to us due to refraction and total inner, internal reflection of light okay next question is right contribution of Wilbur Snell कि इसकी क्या कंट्रीब्यूशन थी हिस्ट्री ऑफ साइंस में ही वॉज़ अ एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन बट ही प्रजेंटेड इन सिक्सटीन ट्वेंटी वन द लॉ ऑफ रिफ्रेक्शन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर वाट इज़ प्राइमरी कलर्स एंड वाट इज़ सेकेंडरी कलर्स इन दोनों के दरमियान में हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट करना है फ्रॉम डेफिनेशन इसके डिफ्रेंस आप लोगों का आइडिया हो जाएगा प्राइमरी कलर्स द कलर्स डैट इज़ यूज टू मेक एनी अदर कलर फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रॉम रेड ब्लू एंड ग्रीन दीज थ्री कलर्स आर प्राइमरी कलर प्राइमरी कलर वो होते हैं जिनकी हेल्प से हम लोग कोई और कलर क्रिएट करती हैं उन कलर्स को क्या कहा जाता है प्राइमरी कलर सेकेंडरी कलर्स वन टू प्राइमरी कलर्स मिक्स दे दे प्रोड्यूस आ सेकेंडरी कलर एग्ज़ाम्पल प्राइमरी कलर्स को हम लोग मिक्स करेंगे जिससे हम लोगों के सेकेंडरी कलर्स क्रिएट होंगे रेड ग्रीन को मिक्स किया येलो क्रिएट हुआ रेड एंड ब्लू को मिक्स कि, किया तो जो कलर क्रिएट हुआ स्काई ब्लू कलर का और ब्लू एंड ग्रीन को मिक्स किया तो हमारे पास मजेंटा कलर क्रिएट हुआ है जिस लाइक पिंक कलर है योर डायरी टास्क क्वेश्चन नंबर सिक्स टू टेन इज फॉर लर्न प्लस प्रैक्टिस वी आर क्लोजिंग आवर लेक्चर विद दुआ नकल होम أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الله حافظ